हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि निर्यात नीति बनाने का सीएम ने दिया आदेश। झारखंड सरकार एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने जा रही है। किसानों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पॉलिसी बनाई जा रही है। कृषि विभाग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी ही एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगी। इसके निर्यात के लिए बनी अलग अलग नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। बताया गया है कि कमेटी यह अध्ययन जो है करेगी कि झारखंड से किन किन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। इसमें से झारखंड के चावल, जिसे हम ब्राउन राइस के रूप में निर्यात किया जा सकता है, की संभावना देखी जाएगी। साथ ही झारखंड की जो है प्रमुख सब्जियों का प्रशासन पर निर्यात की संभावना देखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली की तस्वीर जारी। झारखंड पुलिस ने 12 हार्डकोर नक्सलियों की तस्वीर जारी की है। सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से गुरुवार को 12 हार्डकोर नक्सली की तस्वीर जारी की गई है। इसमें से 4 नक्सली पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। 4 नक्सलियों पर 25-25 लाख रुपए और 2 नक्सली पर 15-15 लाख रुपए और जो है 2 नक्सली पर 10-10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। झारखंड पुलिस जो है मुख्यालय ने घोषणा की है कि इनकी या इनकी संपत्ति की जो है सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ उनकी जो है सूचना को भी गुप्त रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर के डॉक्टर आज करेंगे कार्य बहिष्कार। राष्ट्र जो है आईएमए का आह्वान पर शुक्रवार को राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों के डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कार्य बहिष्कार में ओपीडी, रूटीन सर्जरी और रेडियोलॉजी जांच और ब्लड जांच का काम प्रभावित रहेगा। राज्य करीब 13,000 डॉक्टर कार्य बहिष्कार में शामिल होंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवा व कोविड-19 का कार्य जो है इस आंदोलन से अलग रखा गया है। आईएमए सचिव डॉक्टर जो है प्रदीप सिंह व जिला आईएमए के सचिव डॉक्टर जो है शंभू प्रसाद ने कहा है कि जो है मिक्सोपोथी समाज के लिए घातक साबित होगा, मरीजों के लिए यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार को इस पर जो है विचार करना चाहिए। मिक्सोपैथी से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में भोले मरीज फंसेंगे, इससे जो है एलोपैथी डॉक्टर को कुछ नहीं होगा। हम समाज का भला चाहते हैं, इसलिए विरोध को लेकर आग्रह कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक में लिखित परीक्षा 90 अंक की, 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षा 80 अंक के बदले 90 अंक की होगी। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान सभी विषयों में है। आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा व अन्य एक्टिविटी के आधार पर दिया जाता था। कोविड-19 के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। इस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थी अब तक एक भी दिन स्कूल नहीं आए हैं। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर मिलने वाला अंक के बदले वर्ष 2021 की परीक्षा में लिखित परीक्षा ली जाएगी। 10 अंक का अति लघु, उत्तीर्ण व बहुविकल्पी 1 अंक वाले प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद की चारा घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोटे से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा है कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। 4 में उन्हें सजा सुनाई गई है, इसमें 3 में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। 1 मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ी मधुपुर ग्रीडी सवारी ट्रेन, यात्रियों में खुशी। विश्व भर में कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। अभी भी लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से रेलवे की आवागमन बाधित था। धीरे धीरे स्थिति के अनुकूल देखते हुए झारखंड में यहाँ के सवारियों की दिक्कत को देखते हुए रेलवे विभाग ने करीब 9 माह बाद ग्रीडी मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो जाने से ग्रीडी और जो है मधुपुर जाने वाले यात्रियों के मन में एक उत्साह व उमंग देखने को मिला है। इस लोकल ट्रेन के माध्यम से कई जगहों के लोग एवं व्यापारी स्तर पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि अब हमें लोगों को आगमन में सहूलियत होगी, इससे हम लोग समय पर अपना काम पर पहुंच पाएंगे और कोरोना महामारी को लेकर स्टेशन परिसर में रेलवे प्रबंधक जो है चौकस दिखे। यहाँ पे जो है सफर से पहले ही जो है पहुंचे यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई, जांच कर उन्हें हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें बोगी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से 5.25 करोड़ कैश लेकर भागे गैंग का युवक गिरफ्तार, 48 लाख बरामद। झारखंड के रांची स्थित रूट नंबर 106 के 20 एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसी को झांसा देकर 4 करोड़ 75 लाख
3000 रुपये लेकर फरार चल रहे गैंग के एक आरोपी को झारखंड पुलिस ने जो है गेलहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक को पुलिस अपने साथ रांची ले आई है। जो है रांची सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर रात छापेमारी कर जो है गेलहार के 25 वर्षीय जो है युवक सह मामले में जो है अप्राथमिक अभियुक्त जो है प्रभास कुमार को 47,96,500 रुपये के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकतंत्र हमेशा से गवर्नेंस के साथ मतभेदों को सुलझाने का माध्यम रहा है। नए संसद भवन की नींव रखने के बाद बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी। इस कार्यक्रम में उन्होंने पुराने संसद भवन के महत्व, इतिहास और देश के लोकतंत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर इतिहास का भी जिक्र किया और पुराने संसद भवन से जुड़ी देश की यादों का भी जिक्र किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता के लिए करना होगा इंतजार। झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस वित्त वर्ष में यह संभावना नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार इसके लिए जो है बजट में 12,320.37 लाख रुपए का प्रावधान किया था, पर इस योजना सह वित्त विभाग ने इस पर जो है सहमति नहीं दी है। विभाग की टिप्पणी है कि आर्थिक मंदी के कारण यह तत्काल विचारणीय नहीं है। अब इसे अगले वित्त वर्ष में पेश करने पर विचार किया जा रहा है। अब जो है श्रम विभाग योजना की निर्धारित राशि इस पर जो है सरेंडर कर देगा और अगले वित्त वर्ष में वित्त विभाग को मंजूरी लेगा। सूत्रों ने बताया है कि श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में 5,000 से 7,000 रुपये का सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 173 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। कोरोना से गुरुवार को रांची और बोकारो में एक एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में अब तक जो है कुल 993 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जो है 19,504 सैंपल में यानी जो है 0.88 यानी कुल 173 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक जो है 1,11,003 संक्रमित मिल चुके हैं। वही जो है 1,08,320 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ चुकी है। अभी कुल एक्टिव केस जो है 1,690 है। झारखंड में मिले कुल जो है 173 नए संक्रमितों में केवल रांची से ही 95 संक्रमित शामिल है। वही जो है 220 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने का फिर मिलेगा मौका। अगर आपका मतदान सूची में नाम नहीं है और आप उसमें नाम या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर जो है नाम अथवा पते में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर उठाएं। इसके अलावा वैसे युवा जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, ऐसे में उन युवाओं का नाम भी मतदान सूची में दर्ज हो सकता है। मतदान सूची में नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने के लिए आप 15 नवंबर 2020 तक आवेदन करा सकते हैं। मतदान सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा का नाम सूची में जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉगिन करके फॉर्म 6 भरकर आवेदन करना होगा। वही ऑफलाइन वालों के लिए अपने निकटतम जो है BLO या अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय या DC कार्यालय से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में हादसा, निजी अस्पताल के ICU में लगी आग, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। नगर थाना क्षेत्र के नहरे चौक के पास स्थित जो है सनराइज अस्पताल के ICU वार्ड में गुरुवार की अहल सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद जो है अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन मरीजों को दूसरे अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर दिया गया। 2 मंजिला इस अस्पताल को खाली कर दिया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा लिया है। अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी जो है फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, पर आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की पहल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की पहल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी दर अभी भी न्यूनतम मजदूरी दर से कम है। मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 194 रुपये मिलती है जबकि राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर 283 रुपये है। ऐसे में इस अंतर को कम करने के लिए मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली से मुठभेड़, माओवादी लीडर मिसरदा के दस्ते के साथ टोटो के जो है सरजामा बोड़ू जंगल में पुलिस से मुठभेड़। जिले के अति नक्सल प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सरजामा बोड़ू जंगल में बुधवार को चाईबासा पुलिस व भाकपा माओवादी के 1 करोड़ रुपये इनामी लीडर जो है मिसरदा के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस व जो है माओवादियों के बीच कई राउंड गोलियां चली। देर शाम को हुए इस मुठभेड़ के बाद जो है पुलिस के जवानों व जो है कोबरा बटालियन के कमांडो की जो है घेराबंदी से जो बचकर भाग निकलने की सूचना है। हालांकि इसके देर रात भी ऑपरेशन जारी रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान बोले, केंद्र ने माना ट्रेडर्स के लिए कानून कृषि राज्य का मामला है तो कानून बनाना उनका अधिकार नहीं। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है।
किसानों के मामले के लिए जो 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। किसान अब आंदोलन तेज करने में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजवेला ने कहा कि केंद्र ने माना है कि कानून ट्रेडर्स के लिए, यदि कृषि राज्य का मामला है तो कानून बनाना उनका अधिकार नहीं। इससे पहले जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ ग्रोथ खत्म कराने में है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाए। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर अलग से बिल लाने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।